हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। तो रेडी हो स्टडी के लिए? तो स्टार्ट नाउ। पहले टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 100। हमने अगले वीडियो में आपको मैंने अब चैप्टर 15 एक्सप्लेन करवाया था, ओके। तो फिर मैंने आपको CW में होमवर्क दिया था। होमवर्क में आपको लिखना थे शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लिखना था। तो आई होप कि आपने लिख लिए होंगे, ओके। अगर नहीं लिखे हैं तो आज मैं वर्कबुक में आपको फिल करवा रही हूँ, तो वर्कबुक में से देखकर आंसर लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 111, चैप्टर 15, खरगोश और हाथी चित्र कहानी, ठीक है, जो आपने सुनी हुई और मैंने सुनाई है। क्वेश्चन नंबर 1, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सरोवर के खाली जगह खरगोश रहते थे, तो सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे। खरगोशों के खाली जगह जमीन में अंदर थे, तो खरगोशों के क्या जमीन के अंदर थे? बिल। जंगल में हाथियों का खाली जगह आया, क्या आया? झुंड। कुछ हाथी खाली जगह थे, शरारती। हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते थे, हाथी को क्या पसंद है? पानी। हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में खाली जगह लगाते थे, क्या लगाते थे? लॉट। खरगोश ने नरम मिट्टी में अपने खाली जगह बनाए हैं, क्या बनाए हैं? घर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। वर्ड नंबर, पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? तो गोल। ताला खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो सरोवर के किनारे। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? चांद। चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? हाथियों का सरदार। चांदनी के भांजे कौन है? खरगोश। और चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? सरोवर में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो नरम तो कठिन, गीला तो सूखा, रात तो दिन, बहुत तो कम, प्रसन्न तो नाराज और नाराज तो प्रसन्न, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको लिखना है स्टूडेंट कि फूला ना समाना मतलब कि अत्यंत खुश होना, मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई, ऊंचे चढ़ना तो प्रगति करना, दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। 3 नंबर, अभिवादन करना तो सत्कार करना, आयुष के पिता ने उसका अभिवादन किया। टर्न योर पेज, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुस्से से कांपना तो बहुत क्रोधित होना, पिताजी गुस्से से कांप रहे थे। सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो खरगोश का सरदार बोला, हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। आपको टिक नहीं करना है, आपको लिखनी है, ओके, आपको लाइन फिल करनी है पूरी। चंदा मामा के भांजे दब गए हैं, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे माफ़ी मांगते हैं। हाथियों का सरदार बोला, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हाथी कैसे नहाते हैं? तो हाथी सुंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
चंदा मामा क्यों नाराज है? तो हाथियों के कारण कुछ खरगोश दब गए थे, इसलिए चंदा मामा नाराज है। खरगोश क्यों दुखी थे? तो सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में सुराख बनाकर खरगोश रहते थे, तो हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे, इससे कई खरगोश परिवार दबकर मर गए। यहाँ पे समय नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दबकर मर गए, इसलिए खरगोश बहुत नाराज थे। हाथियों का झुंड क्यों डर रहा था? तो सरोवर में उठती हुई लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे, यह बताकर खरगोश ने हाथियों को समझाया कि चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यह देखकर हाथियों का झुंड डर गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो आपको लिखना है कि सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, तो क्या लिखोगे कि देर वॉज वेट सोइल ऑन द बैंक ऑफ द लेक। हम चांद के भांजे हैं, तो वी आर द नेचू ऑफ द मून। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, तो देर वेर सम मिसलीव्स एलिफेंट इन द एलिफेंट्स हार्ड। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, तो एलिफेंट्स लव वाटर सो मच। सामने पहले पेज पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आंसर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं और वे आपसे नाराज है। क्वेश्चन नंबर 3, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। 4 नंबर, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। फिर खरगोशों और कछुओं की कहानी लिखनी है हमें। जो एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था, उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था, खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। फिर यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ता है स्टूडेंट, कि दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसने सोचा, क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई, झपकी मतलब के नींद आ गई, और वह सो गया। फिर से पैराग्राफ, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोशों को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया, और खरगोश ने जागकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है, और इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है स्टूडेंट, कि घमंड का परिणाम बुरा होता है। हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। टर्न योर पेज। फिर एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन नंबर 2 है कि कछुआ और खरगोश की कहानी घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। तो आपको ये नंबर डालना है, ओके, कि भाई 1 नंबर, तो पहले क्या हुआ था कि जंगल में एक खरगोश रहता था। फिर 2nd नंबर, एक दिन उसने कछुए के साथ दौड़ की शर्त लगाई। 3 नंबर, खरगोशों को अपनी तेज चाल
का घमंड था। 4 नंबर, खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। फिर 5 नंबर, उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ। 6 नंबर, खरगोश को झपकी आ गई और वह सो गया। फिर 7 नंबर, कछुआ चुपचाप आगे निकल गया। फिर 8 नंबर क्या है कि कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। यहाँ पे शॉर्ट में स्टोरी है जो आपको नंबर वाइज डालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, समानार्थी शब्दों के जोड़े बनाइए। तो बंधु तो भाई, समा तो माफी, झुंड तो दल, सरोवर तो झील, सुराख तो छेद, लौटना तो लुढ़कना और समीप तो नजदीक। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो ये 4 क्वेश्चन सेंटेंस है जो आपको रीड एंड राइट करना है, रीडिंग करके आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 15 फिनिश होता है स्टूडेंट। तो आई होप कि आप अच्छी राइटिंग में लिखोगे क्योंकि आप एग्जाम में रीडिंग कर सको इसलिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लेन करवाएंगे। तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए चैप्टर नंबर 15। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।